अब जो नेक्स्ट हमारे पास सोर्स आ रहे हैं एनर्जी के, वो है नॉन रीन्यूएबल। अब तक हमने पढ़े थे नॉन रीन्यूएबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स, अब हम पढ़ने लिखे हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब देखें सनलाइट और वाटर, ये दो हमारे पास क्या हैं, मेजर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल ऑयल और गैस। इसको हमने रीन्यूएबल क्यों कहा है, क्योंकि ये कोयले ऑयल और नेचुरल गैस की तरह जल्दी ख़त्म नहीं हो जाते, इसलिए हमारे पास क्या है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। अब फर्स्ट इसका सोर्स हम पढ़ेंगे एनर्जी फ्रॉम द वाटर, पानी से एनर्जी कैसे हासिल करती है। देखें अब पानी जब मूव करता है, हर मूविंग बॉडी में, हर मूविंग एटम में, हर मूविंग बॉडी में, हर मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब डेफिनेटली जब वाटर भी मूव करेगा तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी को फिर हम फर्दर डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करेंगे। अब पानी से जो एनर्जी हासिल की जाती है वो एक बड़ी हमें सस्ती पड़ती है, एक चीप हमें कॉस्ट होती है उसकी। डैम्स बनाए जाते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ये डैम्स क्या करते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, यानी डैम्स हम उसी पानी को स्टोर करते हैं। स्टोर जब हम पानी को स्टोर करेंगे, इट मीन्स पानी के अंदर एनर्जी है, तो एनर्जी भी हमारे पास जो है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होता है डैम्स बनाने का, कि अगर हम डैम्स नहीं बनाएंगे तो सैलाब वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, डैम्स बनाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम पानी को स्टोर करें ताकि मुल्क में सैलाब ना आए। दूसरा, इसी स्टोर्ड वाटर को फिर हम इरिगेशन के लिए यूज़ करें, फसलों को जो पानी वगैरह लगाते हैं इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करें। फर्दर इससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सोर्स आ रहा है एनर्जी फ्रॉम द सन, मेजर सोर्स। अब मेजर सोर्स है सन, सोलर एनर्जी। हमारे पास जो एनर्जी आती है सन से, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें मिलती है। अब सनलाइट डजंट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। अब सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें इस एनर्जी का क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। जैसे हमने देखा था कोल, नेचुरल गैस, ऑयल, इनको हम बर्न करते हैं। अब आप अपने ट्रांसपोर्ट देखें, उसमें भी जब फ्यूल बर्न होता है तो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि एनवायरनमेंट को गंदा कर देती है। अब देखें यहाँ पर इस सन का हमें ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन इसमें नहीं प्रोड्यूस होती, इसकी वजह से वी आर फाइंड अ सूटेबल मेथड टू यूज़ द फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ, देन इट वुड बी एनफ फॉर फुलफिल आर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। और इसी सोलर एनर्जी को हम आगे डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो अब नेक्स्ट हम सोर्स पढ़ने लगे हैं वो है सोलर हाउस हीटिंग। ठीक है, ये भी इसी सन से ही हमें एनर्जी हासिल होती है। अब देखें द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू। हम जानते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज़ हमारे लिए नया नहीं है, हम इससे घरों को, ऑफिसेज़ को, हम जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को हम वार्म अप रख सकते हैं। कंप्लीट सोलर हाउस सिस्टम आर सक्सेसफुली यूज्ड इन एरियाज विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन इन वाटर। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है सक्सेसफुली यूज्ड, अब कामयाबी के साथ डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट जगहों पर ये यूज़ होती है। ठीक है, हीटिंग सिस्टम हमारे पास बेसिकली किन किन चीज़ों पर होता है, देखिए ये मिलकर बनता है, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम मिलकर बनता है एक कलेक्टर पे, जहाँ कलेक्टर का के वर्ड से आपको पता होगा कि कलेक्टर यानी यहाँ पर सन रेज जो है वो जमा की जाती हैं, यानी कलेक्ट की जाती हैं। देखिए उसके बाद आ जाती है स्टोरेज डिवाइसेज, यहाँ पर हम उन रेज को स्टोर कर सकते हैं उस एनर्जी को। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ से हम इस एनर्जी को बाकी सारी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सी डायग्राम है इसकी, ये हमारे पास एक मेटल प्लेट होती है जिसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि सन रेज इसके ऊपर फॉल होती हैं। अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका एसएससी में एक टॉपिक है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे देखिए लगी होती हैं एल्यूमिनियम, ये जो आपके रॉड्स हैं, ये फॉइल है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है, और ये जो आपको रेड कलर के रॉड्स नज़र आ रहे हैं, कॉपर की ट्यूबिंग है। ठीक है, ये सारा आपका जैसे रूफ है जिस घर को आपने सप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से पाइप्स लगे होते हैं, ये हमारा पंप है, यहाँ से हॉट वाटर आता है, यहाँ से कोल्ड वाटर, यहाँ से फिर यहाँ पे इस घर को सप्लाई मिल जाती है हीट की। अब देखिए सारा सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स और ब्लैंक मेटल प्लेट। अब देखिए मेटल प्लेट, द प्लेट्स एब्जॉर्ब एनर्जी। अब ये है कि ये प्लेट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, विच हीट द लिक्विड फ्लोइंग द पाइप। अब देखिए यहाँ से जब कोल्ड वाटर आएगा, अब ये यहाँ से जो सारी एनर्जी हमें मिलेगी ये इस कोल्ड वाटर को क्या कर देगी, हीट एनर्जी वार्म कर देगी और फर्दर इसको आगे यही वाटर जो है वो घरों को हमें मिल जाएगा। अब देखो सोलर एनर्जी यूज इन सोलर कुकर्स। अब हमने इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए हमने सोलर कुकर्स बनाए हैं, सोलर
जो है हमने कार्स वगैरह बनाई हैं, ट्रांसपोर्ट में भी ये नज़र आ रही है आपको, एक सोलर कार। इस सोलर कार को हम चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। फिर सोलर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं, डिस्टिलेशन प्लांट्स यानी पानी को प्योरीफाई करने वाले प्लांट्स भी हमने बनाए हैं सोलर एनर्जी से चलने वाले। थैंक यू।